बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। जैन सामाजिक संस्था महावीर यूथ क्लब द्वारा क्षमावानी एवं जैन जनगणना संगोष्ठी का कार्यक्रम आचार्य भगवंत हंस कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज के सानिध्य में श्वेतांबर जैन मंदिर के हॉल में कोविड-19 नियमानुसार आमंत्रित सभी जैन मंदिर संस्था के पदाधिकारियों के साथ शुरू हुआ। आचार्य भगवत हंस कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा, सब जुदा जुदा है, वे सब एक होना चाहिए। अपने ईगो हर्ट से एक नहीं हो पाते, लेकिन अभी एक होने का समय आ गया है। जूनी पुरानी बातें भूल जाओ और नए सिरे से एक होकर काम करने से ही सफलता मिलेगी। 3 माह पूर्व मसा के आशीर्वाद के साथ जैन जनगणना का प्रारंभ हुआ था। महावीर यूथ क्लब के सभी युवा इस काम में जुट गए, घर घर जाकर काम को अंजाम देकर 1000 तक काम पूरा किया। अपने पुरुषार्थ से ही यह हो पाया, अभी और स्पीड बढ़ाना जरूरी है, तभी काम पूरा होगा। भूतकाल को भूल जाओ, दिगंबर श्वेतांबर आक्षेप करने से काम नहीं होगा, मिलकर काम करो, इससे मैत्री का भाव बढ़ेगा। कुछ देना चाहिए कुछ लेना चाहिए, मन में द्वेष भाव रहता है, नमन से झुककर आराधना करें, तभी प्रभु की आराधना अच्छी होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के आसपास का परिसर स्वच्छ किया गया, कार्यक्रम के प्राचार्य डॉक्टर धनराज शेटे के मार्गदर्शन में लिया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सांबारे, प्रोफेसर राजेश घोगरे, डॉक्टर महेंद्र कटरे उपस्थित थे। कार्यक्रम सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललिता पुन्या ने प्रयास किया, विद्यार्थियों का बड़ी संख्या में सहभाग रहा। विप्र फाउंडेशन और श्री परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ के संयुक्त तत्वावधान और श्री लालसोट ग्राउंड ब्राह्मण सभा के विशेष सहयोग से चांडक लेआउट स्थित परशुराम लॉन में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विधायक गिरीश व्यास, नगर सेविका हर्षदा साबले, लोकमत सखी मंच की संयोजिका नेहा जोशी ने परशुराम भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। अपने उद्बोधन में विधायक गिरीश व्यास ने विप्र फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एकता में ही शक्ति है और विप्र फाउंडेशन सभी ब्राह्मण संगठनों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा करता है और इस तरह के आयोजन करके सामाजिक एकता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। नगर सेविका हर्षला साबले ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टैलेंट हंट जैसे रोमांचक स्पर्धा में भाग लेने वाला हर प्रतियोगी अपने आप में विजेता है, ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए। अपने उद्बोधन में लोकमत सखी मंच की संयोजिका नेहा जोशी ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि किसी भी स्पर्धा को सफल तभी माना जाता है जब उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है। म्यूजिक एंड मी इवेंट्स एंड एकेडमी की ओर से अदासा के मातोश्री वृद्धाश्रम में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए
दो महीने का राशन दान किया गया। इसी अवसर पर हिंदी मराठी फिल्मी गीतों का संगीतमय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। अपने परिवार बच्चों और पोते पोतियों से दूर एकांत में अपना जीवन जीने वाले वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के चार पल सुखकर बनाने के लिए म्यूजिक एंड मी इवेंट्स एंड एकेडमी की ओर से संगीत कार्यक्रम जिंदगी प्यार का गीत है अदासा मातोश्री वृद्धाश्रम में प्रस्तुत किया गया। म्यूजिक एंड मी इवेंट्स एंड एकेडमी की निदेशक शालिनी सिन्हा ने सामाजिक जागरूकता के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर कीर्ति पाटिल, रितेश कुलसुंगे, शोएब खान, इरफान खान, हर्ष कापसे और उसके बाद रितेश कुलसुंगे ने हिरवा निसर्ग, हर्ष कापसे ने तू इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है, शोएब खान ने तेरी आंखों के सिवा, पहला पहला प्यार, डॉक्टर कीर्ति पाटिल ने अधिरमन शीर्षक गीत, शालिनी सिन्हा ने जिंदगी प्यार का गीत जैसे कई हिंदी मराठी गीतों का प्रदर्शन किया। अखंड भारत विचार मंच की ओर से कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में भी मानव सेवा को ध्येय बनाकर मानव सेवा करने वाले सेवाभावी कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया गया। सभी कोरोना योद्धाओं का सत्कार महापौर दयाशंकर तिवारी व मंच के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को नमन कर हुआ। मुख्य रूप से राम नारायण मिश्रा, भागवत सिंह खंगार, संदीप जाधव, दीपक पांडे, आमोद राय, वासुदेव द्विवेदी, रुपेश राय, रामश्रय मिश्रा, लोक नारायण पांडे, मुन्ना पांडे, लालचंद मिश्रा, अजय त्रिपाठी, ऋषभ तिवारी, विनोद ढोबले उपस्थित थे। कोरोना योद्धाओं डॉक्टर अतुल विद्यार्थी, डॉक्टर शैलेश फुले, शिवनाथ सिंह, राजेश राय, सुनील सिंह, ललिता मरावी, भारती देशमुख, स्नेहा द्विवेदी, मूलचंद गुप्ता, सौरभ झा, राजेश तिवारी, एडवोकेट गजेंद्र साहू, संतोष तिवारी, दिनेश सहित अन्य का सत्कार पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम की सफलतार्थ अखंड भारत विचार मंच के सभी सदस्यों व पदाधिकारियों ने अथक प्रयास किया। साउंड ऑफ म्यूजिक के तीसरे वर्धापन दिन के अवसर पर रविवार को सुरभि 2021 यह संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका प्रसारण V5 एंटरटेनमेंट स्टूडियो से साउंड ऑफ म्यूजिक नागपुर और बाबूभाई पटेल के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर किया गया। कार्यक्रम की संकल्पना गायक तथा साउंड ऑफ म्यूजिक के संचालक बाबूभाई पटेल की थी और सह आयोजकों में योगेश परांजपे, अनुराधा पाटिल और विजय वाइंदेशकर थे। V5 एंटरटेनमेंट के निदेशक अनिल पिल्ले और नितिन झाड़े, बेसा स्टूडियो के निदेशक भास्कर वागुले, हारमोनिका एंटरटेनमेंट के निदेशक राजेंद्र चोपड़े, योगेश आसरे और शविंद्र बिसेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गायक कलाकारों ने लता मंगेशकर, किशोर कुमार, कुमार शानू, मोहम्मद रफी, अरिजीत सिंह के गाए हुए गीतों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम का रूप बदल दिया। सबसे पहले बाबू भाई पटेल ने पल पल दिल के पास गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद तू जहाँ जहाँ चलेगा, ये गलिया ये चौबारा, मेरे महबूब कयामत होगी, ऐसे अनेक गीतों की प्रस्तुति दी गई और कार्यक्रम को गायक कलाकारों ने आवाज की मधुरता से रंग दिया। बजाज नगर पुलिस थाने के लक्ष्मी नगर 8 रास्ता चौक स्थित होटल अशोका में सोमवार शाम करीब 7:15 बजे के दौरान सातवें माले की चिमनी में अचानक आग लग गई। हालांकि होटल के स्टाफ द्वारा इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत अपने फायर यंत्रों से इस आग पर काबू पा लिया। बावजूद इसके फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची थी, परंतु इससे पहले ही होटल स्टाफ ने इस आग पर काबू पा लिया था। दरअसल होटल के किचन की चिमनी होटल की सातवीं मंजिल तक जाती है और इस चिमनी में ग्रीस जमा हो जाने के कारण ही अचानक यह आग लगी थी। होटल कर्मियों की सतर्कता और फायर इक्विपमेंट के सही होने के कारण होटल कर्मियों द्वारा समय पर इस आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस आग में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। महाराष्ट्र सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ नागपुर और नागपुर शहर पुलिस पुलिस आयुक्त नागपुर शहर ने संयुक्त रूप से विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का सत्कार किया। इसके लिए नागपुर स्थित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने 90 वर्ष से अधिक आयु वालों का चयन किया। सत्कार मूर्तियों में AR खान, दयाशंकर दीक्षित और मधुकर सुरटकर शामिल रहे। अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, स्वयं सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दयाशंकर दीक्षित के लक्ष्मी नगर स्थित घर पहुंचे। वहां दीक्षित और AR खान को
शॉल व श्रीफल देकर स्मृति चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर फुलारी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सभी सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। वहीं दीक्षित और खान ने भी नागपुर पुलिस को दी अपनी सेवाओं के किस्से सुनाए। वहीं महाराष्ट्र सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याणकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मेहता ने अपने विभाग की जानकारी दी। इस दौरान दीक्षित और खान के परिजन भी उपस्थित थे। इसके अलावा भरोसा सेल के PI सुरवे व एसोसिएशन के उपाध्यक्ष NK इंगले, कोषाध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता, जमील अहमद आदि उपस्थित रहे। संचालन सचिव सुरेश महाले जबकि आभार प्रदर्शन सह सचिव नागेश घोड़की ने किया। मोमिनपुरा यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड परिसर के फलाम मंजिल सभागार में कारवाने अदब मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी मोहम्मद अलीमुद्दीन भाई ने की। मुख्य वक्ता के रूप में उर्दू माध्यम मुख्याध्यापक संघ नागपुर के अध्यक्ष जफर अहमद खान, नरेंद्र परिहार उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में टोनी जग्गी सिंह, समाज सेवी तन्हा नागपुरी, हाजी हातिम शेख, अनवारुल हक उपस्थित थे। संस्था अध्यक्ष इश्तियाक कामिल ने मंच संचालन किया। कार्यक्रम का आयोजन इमरान फैज ने किया। कार्यक्रम में बड़ी मुख्य में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उर्दू माध्यम मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष एवं मुस्लिम समाज के शिक्षाविद जफर अहमद खान ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह महापुरुष हमारे दिलों में बसे हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भारत की एकता के प्रतीक है। उनके विचारों ने ही हम सबको एक दूसरे से जोड़ रखा है। भारत एक ऐसा महान देश है जहां 101 विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। देश का संविधान सभी धर्मों को अपनी मान्यताओं के साथ रहने का अधिकार देता है। पिछले कुछ दिनों अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था स्फीहा NGO के अधिकारी मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टेमरू बिहार धाना में आदिवासियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए आए हुए हैं, जो कि रविवार 3 अक्टूबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्फीहा ने शिविर हेतु देश भर से प्रशिक्षण के लिए 27 विशेषज्ञ बुलाए थे और करीब 200 आदिवासियों ने पूरे जोश और उमंग के साथ भाग लिया। शिविर का उद्घाटन स्फीहा के अध्यक्ष MA पठान, राहत गांव तहसील के जनपद सदस्य रामकिशन धुर्वे, रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनूप श्रीवास्तव और टेमरू बहार धाना के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने एक साथ किया। इस उपलक्ष्य में पठान ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उसी के तहत स्फीहा भी आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शिविर सिर्फ एक शुरुआत है और हम लोग अगले 15 महीनों के लिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षण का काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी काम करते रहेंगे। पठान ने लोगों की मोबाइल से जुड़ी शिकायत को दूर करने का आश्वासन भी दिया। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय द्वारा NSS स्कीम अंतर्गत पोषण सप्ताह ऑनलाइन मनाया गया, जिसमें छात्राओं को पोषण, कुपोषण व अन्य स्वास्थ्य वर्धक जानकारी विस्तार से प्रदान की गई। अंतिम 7वें दिवस पर कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार द्वारा की गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपुर की गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर सुजाता साखरे द्वारा भारत में कुपोषण की समस्या व उपाय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने छात्राओं को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि यदि आपका खानपान अच्छा और पौष्टिक रहेगा तो आप कभी कुपोषित नहीं होंगे और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी भी रहेगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ऋतु तिवारी द्वारा और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर तनुजा राजपूत द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्राध्यापकों, शिक्षकेतर एवं छात्राओं की उपस्थिति थी। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रश्न मंच का भी आयोजन 11 सितंबर को किया गया और प्रश्न हल करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर थी, जिसमें प्रथम स्थान विनेश लोकेंद्र सिंह चौहान एवं द्वितीय स्थान उत्कर्षा खड़से को प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा सभी को शब्द सुमन से सत्कार किया गया एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। हाजी अब्दुल मजीद लीडर उर्दू माध्यमिक स्कूल में 10वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण। स्कूल के पहले दिन स्कूल महोत्सव की ओर से विद्यार्थियों का गुलाब का पुष्प देकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रभाग 8 के पार्षद जुल्फिकार अहमद भुट्टो थे। प्रमुख उपस्थिति में नगर सेविका अंसारी जिशान मुमताज, मनपा शिक्षण विभाग के गांधी बाग जोन के स्कूल निरीक्षक सीमा खोबरागड़े, प्राइमरी स्कूल की मुख्य अध्यापिका रेहाना खजिस्ता, नुसरत जबीन, स्कूल के हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक अनिल बच्चूवार, शिक्षक इंचार्ज बोस और 35 विद्यार्थी उपस्थित थे। पार्षद जुल्फिकार अहमद भुट्टो ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन में मनपा की ओर से दिए जाने वाले टैबलेट का उपयोग खुद का शैक्षणिक विकास करने को कहा, इसलिए स्कूल के शिक्षक मार्गदर्शन एवं मदद करने के लिए तैयार है। कोविड-19 महामारी के गाइडलाइन के तहत मास्क लगाना, हाथ धोना, खुद का टिफिन और पानी की बोतल घर से लाने का तथा नियमों का पालन करना जरूरी है। कार्यक्रम में जिशान मुमताज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मार्गदर्शन के बाद वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती खजिस्ता कौसर ने सभी उपस्थित मान्यवरों का आभार माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं तथा कर्मचारी गण उपस्थित थे। सिंधी भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिंधी समाज के द्वारा एक और गीत तैयार किया गया है, ठार माता ठार। इस पारंपरिक गीत को नागपुर शहर के आसपास की वादियों एवं मंदिरों में फिल्माया गया है, जिसमें सुख सागर माता मंदिर एवं आसपास के बेहतरीन स्थानों को दर्शाया गया है। इस गीत में मुख्य भूमिका कंचन जग्यासी, राज केशवानी और उनके साथ सोनिया जग्यासी, मोनिका मिठवानी, कशिश सच्चानी, हर्षिता जग्यासी, सिमरन मेहानी, भूवी जशनानी, एडवोकेट श्रवण कुमार मदनानी, मीना मदनानी, हिमानी जग्यासी, इन सभी ने बेहतरीन अभिनय किया है। गीत के पोस्टर का विमोचन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हस्ते हुआ। राउत ने अपने संबोधन में भाषा बोली के उत्थान पर किए जा रहे प्रयासों को सराहनीय बताया। इस गीत को रजनी कमलानी और राज केशवानी ने अपने मधुर स्वर से सजाया है। इस गीत के निर्माण कार्य के दौरान नागपुर शहर के सम्मानित नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश जग्यासी, श्रवण कुमार मदनानी, मीना मदनानी, तुलसी सेतिया, किशोर लालवानी, पंकज गलानी, दर्शन गुरबख्शानी, मुकेश खुशालानी, विजय मेटवानी, उषा आमेसर, राजेश आमेसर, डॉक्टर सुमित जग्यासी का सहयोग रहा। कोरियोग्राफी रितु पंजवानी, मेकअप आर्टिस्ट सोनिया जग्यासी व सुमन लचवानी है। विवादित केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के सड़क दुर्घटना में मारे गए और अन्य घायल किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की गूंज राजधानी नागपुर में भी सुनाई दी। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष कुणाल राउत ने कामडी रोड इंदौरा चौक पर सड़क जाम कर आंदोलन किया और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। आंदोलन में सुरेश पाटिल, दीपक खोबरागड़े, दिनेश यादव, नेहा राकेश निकोस, साहेबराव शिरसाट सहित युवक कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और इंदौरा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बोलते हुए कुणाल राउत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है और स्पष्ट रूप से निरस्त करने से इनकार कर दिया है। ये देश बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान द्वारा शासित होगा, न कि आरएसएस या भाजपा द्वारा। महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक देश में गोडसे के उपासकों ने हमारी नेता प्रियंका गांधी को देश के अन्नदाताओं से मिलने जाने के पहले गिरफ्तार किया। महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देश्य संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया फार्मेसी कॉलेज लोनारा नागपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में 152 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सांसद कृपाल तुमा ने, मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा को माल्यार्पण करके अभिवादन किया। शहरों की ऊंची इमारतों से दूर प्रकृति की गोद में बसा सेंट्रल इंडिया फार्मेसी कॉलेज में औषधीय 152 प्रकार के पौधे लगाने का संकल्प किया गया, जिसमें बिनका, बसाका, अशोका, अर्जुना, राम तुलसी, जसवंत, निर्गुंडी, गेंदा, लहसुन आदि प्रकार के पौधे लगाए। कृपाल तुमाने ने अपने भाषण में पर्यावरण का समतोल रखने के लिए वृक्षारोपण की जरूरत है, प्रकृति के महत्व को बताते हुए देश को हरा भरा रखने के लिए हर छात्र ने एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। राहुल पांडे ने अपने भाषण में प्रकृति के गोद में कई ऐसी चीजें हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं, साथ ही आज के दिन भी ऐसी औषधि है जिनको लेकर बड़ी कंपनियां हर क्षेत्र में अपना पाव पसार रही है, इसलिए ऐसे औषधीय पौधों का संरक्षण करना जरूरी है।
महात्मा गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में लाड़पुरा महिला मंडल द्वारा श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाजार गांव क्षमावानी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाजार गांव के जैन मंदिर में सामूहिक दर्शन पूजन संपन्न हुआ। मंडल अध्यक्ष सुनंदा गहानकरी ने कार्यों का लेखा जोखा और पूर्व सदस्य स्मिता खेड़कर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडल की सचिव दीप्ति लाड़ ने क्षमावानी का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इतवारी विभाग द्वारा क्षमा देवल सिंह, नंदन वन विभाग द्वारा समीक्षा जोहरापुरकर, पश्चिम विभाग द्वारा कल्पना जोहरापुरकर ने क्षमावानी पर विचार व्यक्त करते हुए सर्वोत्तम क्षमा यानी सम्यक दर्शन धारण करना, सभी प्राणी मात्र के प्रति मन वचन काय पूर्वक क्षमा भाव धारण करना। मंडल की अध्यक्षा प्रीति पेंढारी विचार व्यक्त करते हुए कहा, क्रोध पर टीका या मानव दोष से विघटन और कटुता निर्माण होती है और क्षमा भाव धारण कर क्षमा भाव रखकर हम आदर्श बन सकते हैं। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में शांति या संयम धारण करने की सर्वोच्च शक्ति क्षमा भाव में है। मैं सभी से मन वचन काय से सभी सदस्यों से क्षमा मांगती हूँ। अश्विनी खंडारे ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। वीना मुधोलकर और वैशाली दरियापुरकर ने मैदानी खेल में सभी को सहभागी कर लिया। एकीकृत वित्तीय सलाहकार एवं रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक नागपुर ने संयुक्त रूप से कार्यालय में रक्षा लेखा विभाग स्थापना दिवस पूरी शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। सभी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आरती दीवान गुप्ता एकीकृत वित्तीय सलाहकार ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा अध्यक्षता डॉक्टर प्रदीप कुमार जेना द्वारा की गई। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर आरती दीवान गुप्ता एकीकृत वित्तीय सलाहकार के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार जेना सहित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति रही। मान्यवरों ने अपने संबोधन में विभाग की स्थापना से वर्तमान तक हुए परिवर्तन और प्रगति का जायजा लेते हुए सभी से अपने कार्यालयीन जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया। रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रण ने सेना के संचालन में वित्तीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका में सावधानियां बरतने का आग्रह किया। इस अवसर पर रंगोली, क्वीज, शतरंज, कैरम एवं टेबल टेनिस आदि प्रतियोगिताओं के साथ 1 मिनट शो का भी आयोजन किया गया था तथा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंकिता अग्रवाल द्वारा किया गया। सखी संगम और गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। ओमकार और एकल गीत के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन में अतिथिगण उर्मिला अग्रवाल अध्यक्ष, अग्रसेन मंडल, ज्योति चौधरी संभाग अभियान प्रमुख, दीपाली गाड़गे केंद्रीय महिला प्रभारी भाग उपाध्यक्ष और मोनिका मेहाड़िया हरि सत्संग महिला समिति अध्यक्ष का स्वागत सम्मान सभी वरिष्ठ सदस्यों से कराया गया। कार्यक्रम में सुनीता सोनी, कुमकुम अग्रवाल और उर्मिला अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थी। कोषाध्यक्ष अनुसुया अग्रवाल का पूरे प्रोग्राम में सराहनीय सहयोग रहा। अध्यक्षता मणि गोयनका ने अपने उद्बोधन में वन बंधु परिषद के कार्य की सब सदस्यों को जानकारी दी। ममता केड़िया द्वारा सेवा पात्र की जानकारी एक लघु नाटिका द्वारा पेश की गई, जिसमें मधु लखोटिया ने अभिनय किया जो बहुत ही सराहनीय था। कलश सजाओ प्रतियोगिता रखी गई थी जिसका प्रथम पुरस्कार पद्मश्री सारडा और द्वितीय सुनंदा राठी को प्राप्त हुआ। राज गरबा में गरबा क्वीन तृप्ति झुनझुनवाला, बेस्ट गरबा ड्रेसअप ऐश्वर्या अग्रवाल और बेस्ट इंडिया ममता अग्रवाल को प्राप्त हुए। कई गेम्स हुए जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। खाने पीने के सभी विभिन्न स्टॉल्स लगे हुए थे, सब ने खूब आनंद लिया। नागपुर की प्रख्यात मराठी लेखिका रश्मि पडवाड़ मदनकर को श्रेष्ठ नीलू फुले कला फाउंडेशन अकोला द्वारा नीलू फुले मेमोरियल युवा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रश्मि ने मराठी बीट्स एंड बाइट्स और एक मराठी एंथोलॉजी निमिष गाथा में समाचार पत्रों की विशेषताओं का सबसे अधिक बिकने वाला संग्रह लिखा था। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। वह नियमित रूप से कई प्रमुख मराठी दैनिक समाचार पत्रों के लिए लिखती है। ये पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता मकरंद अनासपुरे, सामाजिक कार्यकर्ताओं और चंद्रपुर के एक सामाजिक संगठन को भी प्रदान किया गया। अनासपुरे को सीने रत्न पुरस्कार मिला, जबकि अभिनेता राजेश चिटनिस को सीने भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदौर के श्रीराम जोग को कला तपस्वी पुरस्कार, जबकि अकोला के किशोर बाली को युवा भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया।
अकोला की काजल राउत को भी नाट्य चेतना पुरस्कार तथा हिंगोली के चंद्रकांत कवराखे को समाजवादी भव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रपुर की विकलांग सेवा संस्था को समाज भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए अनासपुरे ने कहा कि फूले ने न केवल अभिनय के लिए अपना जीवन समर्पित किया बल्कि कई सामाजिक कार्य भी किए। हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह की 26वीं के मौके पर सज्जादान शीन हाउस में मिलाद व फातिहा पढ़ी गई। सज्जादान शीन सैयद यूसुफ इकबाल ताजी बाबा की उपस्थिति में भारत की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। तत्पश्चात जायरीनों को लंगर भोजन खिलाया गया। इस अवसर पर सैयद जरबीर ताजी, सैयद तालैफ ताजी, हसन सैयद रुबीना ताजी, असलम खान अब्दुल अमानी कुरैशी आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज़। नमस्कार। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।